मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया मामले को लेकर आज शाम 4 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें पार्षद विधायक सभी को बुलाया गया है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम केजरीवाल ने शाम 4 बजे अहम बैठक बुलाई है। देखिए, विधायक पार्षदों और बड़े नेताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक शाम 4 बजे होगी और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया के सभी 18 विभाग कैलाश गहलोत और रामकुमार आनंद में बांट दिए गए। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी अपडेट हासिल करने के लिए पंकज जैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या खबर, क्या अपडेट दर्शकों को आप साझा करें? देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और सतीन जैन के इस्तीफे के बाद से हलचल तेज है देश की राजधानी में, और कांग्रेस बीजेपी भी सड़कों पर उतर आए हैं, तो अब कहीं ना कहीं विधायकों और पार्षदों में भी जोश भरने की एक बड़ी कोशिश होगी। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल अपने तमाम विधायकों और पार्षदों को संबोधित करेंगे। तो अब क्योंकि केजरीवाल सरकार का रूप भी बदल रहा है, सौरभ भारद्वाज और आतिशी नए मंत्री के रूप में नजर आएंगे केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में, तो ऐसी स्थिति में क्या आगे की रणनीति होगी और आम आदमी पार्टी किस तरीके से आगे हमलावर होगी उन तमाम लोगों पर जो केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। तो देखना यह होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल नया अपनी स्पीच में विधायकों के साथ साझा करते हैं, और साथ ही साथ ये जो बैठक हो रही है इसमें तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, चर्चा की जाएगी उनके साथ, और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं उसे लेकर भी रणनीति साझा होगी।